मैं कौन से कौन से? एक और चार, एक और चार, वो तो दो हो गए ना, दो ही, दो दो ही, दो ही, दो ही, दो ही बोर्ड, दो ही बोर्ड, धनवाड़े बाहर में आइए, धनवाड़े धनवाड़े धनवाड़ा धनवाड़े में आइए, वो ही है चार, धनवाड़ा वो ही है चार, कुशल कुशल नंबर एक, नंबर दो, उसमें ये बताना कितने कितने वार्ड है? वहाँ वार्ड है सात सर, सात में से दो वार्डों को वार्ड नंबर एक, वार्ड नंबर चार, बाकी वही शायद उन्होंने फोटो उठाया गया कि पूरे टाटा में कवर है सर, बिल्कुल नहीं, अभी भी चक्की हो जाएगी हमारे टाटा में, आज तो पोल दबे गए हैं उधर चार वार्डों में और वानीपुरा में तकरीबन 60-70 घर बिल्कुल पास। दोबारा क्या हमें लाइट चाहिए, हम बेघर हैं कि क्या हैं, उधर के लोग जो 50-60 घर रखे हैं वो क्यों रखे हैं, उन्होंने उन्हें चाहिए लाइट, घर हैं वहाँ पे। लेकिन आप सिर्फ तीनों लोग या चार ही लोग यहाँ पर आए? सब लोग आए सर, हम तो उन लोगों को पूरा पता नहीं है कि ये डोडा में गए, हमने सोचा चलो दो चार आदमी आ जाएंगे, डीसी साहब क्या बोलेगा, 50-60-70 आदमी परसों तक यहाँ पहुँचेंगे। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल, मैं हूँ सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप मेरे साथ में देख सकते हैं कुछ बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो डीसी ऑफिस के जो हैं बाहर हैं अभी, मतलब डीसी ऑफिस आए हैं। और डीसी ऑफिस इंसान क्यों आता है आप जानते ही हैं, जब इश्यूज होते हैं, जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो तभी जो है रुख जो है डीसी ऑफिस की ओर होता है। ये लोग आज डीसी ऑफिस के बाहर इसलिए आए हैं क्योंकि जो फॉर्मर डीसी डोडा सागर डी डायफोर्ड थे यहाँ पर, आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर और नेशनल मीडिया के ऊपर चली थी कि टाटा के अंदर जो है लाइट आ गई है। जी हाँ, सही सुना आपने कि टाटा के अंदर लाइट आ चुकी है, जिसमें बड़े बड़े चैनल NDTV, भारत टाइम्स, नव भारत टाइम्स, इन सभी चैनल्स ने जो है उस कवर को, उस न्यूज़ को कवर किया था कि डोडा के दूर दराज इलाके के अंदर जो है लाइट आ गई है। अब आपको हकीकत बताते हैं, यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग आए हैं, इन लोगों का ही बताना, इनसे बातचीत की मैंने, इन्होंने बताया कि टाटा पंचायत के अंदर जो है सात वार्ड हैं, सात वार्डों में पहला और दूसरे, पहले और चौथे वार्ड में जो है लाइट आई है और बाकी के वार्ड्स में लाइट नहीं आई है, लेकिन बताया ये गया है कि पूरे टाटा के अंदर जो है लाइट आ गई। इन्हीं से बातचीत करेंगे कितनी हकीकत है। आपका नाम क्या है? बशीर रहमानी जनाब। तो क्या बताना चाहेंगे कि कितने वार्डों में वहाँ पर जो है लाइट है? जनाब तीन वार्ड में लाइट आई है, एक नीचे और उसके बाद कुछ वहाँ पर तीन कौन से वार्ड में आए? तीन वार्डों में कौन से एक और चार वो तो दो हो गए ना, दो ही वार्ड, दो ही वार्ड, धनवाड़े वार्ड में आइए, धनवाड़े धनवाड़ा 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 में आइए, वो ही है चार, धनवाड़ा वो ही है चार, कुछ है साहब नंबर एक, कुछ है वार्ड नंबर एक, धनवाड़ा वार्ड नंबर दो, उसमें ये बताना कितने वार्ड है? वहाँ वार्ड है सात सर, सात में से दो वार्डों को वार्ड नंबर एक, वार्ड नंबर चार, बाकी वही शायद उन्होंने फोटो उठाया गया कि पूरे टाटा में कवर है सर, बिल्कुल नहीं, अभी भी चक्की हो जाएगी हमारे टाटा में, आज तो पोल दबे गए हैं उधर चार वार्डों में और वानीपुरा में तकरीबन 60-70 घर बिल्कुल टोटल, वहाँ पर कोई पोल भी नहीं है। हम बिजली नाम क्या है? उदुल सुबहान वानी सर। ये बताएं कि जब वहाँ पे लाइट आई, जब फोटोज़ वहाँ की वीडियोज़ वायरल हुई, तो तब आपने क्वेश्चंस नहीं किया कि हमारे वार्ड में क्यों नहीं लाइट है? सर जब उधर कोई आया नहीं हमारे पास ना, हमें पता, हमें ये भी पता नहीं फोटो कहाँ उठाया गया सर, उस बात के हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे टाटा में सिर्फ दो वार्डों में लाइट है और दो चार वार्डों में अभी हो रही है पोलों का काम, और हमारे 60-70 घर बिल्कुल क्या था ये कहीं कागजों में नहीं है, हमें पता नहीं है ये वो क्यों नहीं है कागजों में, हाँ ये पता नहीं है, हम भारत के रहने वाले हैं कि हम वार्ड्स हैं ना, तो वार्ड से तो कागजों में आप आ गए ना, वार्ड में आ गए, लेकिन कुछ 60-70 घर कहते हैं ये कागजों में नहीं है, हमें पता सर नहीं वो क्यों नहीं है कागजों में, वो हमें पता नहीं है, और इतने मजबूर हैं बिजली के बगैर, हम लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर में और उनको कोई पढ़ाता है घर में और बैटरियां जलाकर कितने पढ़ाई करेंगे हम बच्चों को, बिजली के बगैर हम बहुत महरूम हैं, और मोबाइल चार्ज करने पर ले जाना पड़ता है हमें तकरीबन 1.5 किलोमीटर, वो भी लोग हमें अंदर आने नहीं दे रहे हैं कि कहते तुम्हें क्यों नहीं बिजली, तो गवर्नमेंट से मांगो, हम कहाँ देंगे रोज़ाना तुम्हें, इधर आने हम बहुत परेशान हैं, इसलिए हम इधर आए हैं डीसी साहब के पास के हमें पता लगने चाहे कि हम महरूम क्यों हैं बिजली की वजह से। ये हम पहले भी जो है टाटा के लोग जो हैं डीसी ऑफिस के बाहर आए थे, हमने वो स्टोरी कवर की थी, तब भी इनकी डिमांड जो थी
यही थी कि लाइट जो है अभी तक आई नहीं है। तो अभी आप डीसी साहब के पास गए, आपका नाम क्या? मोहम्मद इकबाल। डीसी साहब के पास गए? नहीं जी, अभी नहीं गए, जा रहे हैं। तो पहले किसी के पास, पहले जब आए थे आप तो पहले गए थे, तो तब क्या रिस्पॉन्स आया? पहले आए थे तो बोल रहे हैं अब बिजली हम पूरे इलाके में देंगे, तो पता नहीं कहाँ का, फिर सुना हमने फ़ोटो उठाएगी, मोबाइल में फ़ोटो उठाएगी, दिखा रहे हैं लोगों को, मगर लाइट कोई नहीं। हमारे 50-60 घर रहे हैं टांटा वानीपुरा में, हमें कोई लाइट नहीं है अभी तक। अब हम आए डीसी साहब के पास दोबारा कि हमें लाइट चाहिए, हम बेघर रहे हैं कि क्या हैं, उधर के लोग जो 50-60 घर रखे हैं वो क्यों रखे हैं, उन्हें चाहिए लाइट। क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि डीसी साहब जो हैं विकास शर्मा जी करेंगे इस जो इस इशू के ऊपर काम? इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं, हमारा ऑफिसर है, हमारे दौड़ भाग घर इसी के पास है, डीसी साहब है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक हो, जो क्यों नहीं कर सकता है। अगर हमारे टांटा में बिजली होगी तो चेकिंग करा कर सकते हैं, हमें जेल डालें, अगर नहीं होगी तो हमें ये पता नहीं है कि इतने देर से हम क्यों बिजली के बगैर, कोने कोने पर बिजली पहुंच गई है, एक एक दो दो घरों में हमें पूरा पता है, वो हिमाचल में घूम कर आए हैं, चार चार घरों में बिजली है, वो कि दूर रोड से कितने दूर है, हम तो पूरा 50-60 घर हैं और रोड के नज़दीक है, हमें क्या क्यों नहीं बिजली मिल रही है सर? हमारे बच्चे बेकार हो गए, पिछले साल से लॉकडाउन हो रहा, स्कूलों में बच्चे नहीं जा सकते, अगर घर में कोई पढ़ाएगा जो घर में पढ़ा लिखा होगा वो बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे सर उनको? 60-70 घर हैं वहाँ पे, लेकिन आप सिर्फ तीनों लोग या चार ही लोग यहाँ पर आए? सब लोग आए सर, हम तो उन लोगों को पूरा पता नहीं है कि ये डोडा में गए, हमने सोचा चलो दो चार आदमी आ जाएंगे, डीसी साहब क्या बोलेगा, 50-60-70 आदमी परसों तक यहाँ पहुँचेंगे, अगर डीसी साहब को ये अरमान होगा तो बिल्कुल 70 आदमी यहाँ पर खड़े होंगे डीसी साहब के पास। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लाइट की कमी जो है, या लाइट है ही नहीं हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऐसे बहुत सारे दूर दराज इलाके हैं जिनमें जो है लाइट्स नहीं हैं। लेकिन उस टाइम पर जब ये सर्कुलेट की गई थी न्यूज़, हर एक ने लगाई थी, तो तब सबको जो है डीसी साहब को लेकर या एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर एक अच्छी पॉजिटिवनेस फीलिंग्स थी कि देखो जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अभी जो है लाइट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ आपने सुनी सब चीज़ें इन्होंने बताई कि कैसे जो पंचायत के अंदर कितने वार्डों में लाइट आई और कितनों में नहीं। हकीकत ये भी है कि हमारे देसा के अंदर, जो देसा के दूर दराज एरिया है, वहाँ पर भी लाइट नहीं है। सरकार तो दावे करती है कि हर घर तक लाइट पहुंचेगी, लेकिन कभी डोडा आइए, हम आपको देसा लेकर चलेंगे, हम आपको दूरदराज इलाकों में लेकर चलेंगे, आप वहां पे देख के बता सकते हैं लाइट है या नहीं। आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ, सुरेंद्र परिहार को दीजिए इजाज़त, उम्मीद करते हैं कि इनका मसला जो है जल्द से जल्द हल होगा। बने रहे द लोकल रिपोर्ट।